नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अभी की बड़ी खबरों की बात करेंगे। सीएम सुक्खू से आज बीएड के अभ्यर्थी मिले हैं और शिक्षा मंत्री से भी इन्होंने मुलाकात की है। किन विभागों में ओपीएस नहीं दी जाएगी उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। जेबीटी पदों पर बीएड की जो मांग है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के जो नए रूल्स हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे अपडेट समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपीएस के बारे में चर्चा करेंगे। किन विभागों में ओपीएस नहीं दी जा रही है? जिनका एनपीएस कटना बंद हो चुका है वे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और वे आभार रैली भी करने जा रहे हैं। लगभग 136,000 कर्मचारी हैं ये जिनका शेयर कटना बंद हो चुका है एनपीएस का, और जिनका शेयर अभी भी काटा जा रहा है एनपीएस का पर मंथ की आपकी सैलरी में, वे बोर्ड, निगमों और कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं। और जो नोटिफिकेशन फाइनेंस द्वारा ओपीएस की एसओपी जारी हुई थी उसमें भी इसका जिक्र किया गया था कि केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ही यह लागू होगी। बोर्ड निगम जो हैं उनको अपने स्तर पर यह फैसला लेना होगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर कि वह ओपीएस देना चाहते हैं या नहीं। अगली बात जेबीटी भर्ती को लेकर कर लेते हैं, जिसमें बीएड अभ्यर्थी जो हैं सीएम और शिक्षा मंत्री से मिले हैं। तो आज बेरोजगार बीएड जो यूनियन है वो सीएम और शिक्षा मंत्री से मिले हैं। इन्होंने आभार व्यक्त किया है कि उन्हें जेबीटी के पोस्ट के लिए एलिजिबल करने के लिए, और इन्होंने एक और डिमांड की है कि जेबीटी भर्ती करने से पहले इनको बीएड को जो अभ्यर्थी हैं इनको जेबीटी का टैट करवाया जाए और उसके बाद ही जो जेबीटी भर्ती है वो निकाली जाए और इन्हें भी कमीशन में बराबर रूप से यहाँ पे मौका दिया जाए। और इसमें इन्होंने एक और डिमांड रखी है कि जो लोग इनके 45 साल की उम्र आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें आयु में भी कमीशन के लिए छूट यहाँ पर दी जाए। अगली बात जीपीएफ खातों को लेकर कर लें। तो राज्य सरकार द्वारा जीपीएफ के नए रूल्स निकाले जा रहे हैं उनको लेकर फाइनेंस द्वारा प्रपोजल भेजा गया था जो वापस आ चुका है ऑब्जेक्शन के साथ, और 2003 से जो एनपीएस लागू किया गया था इसलिए नए रूल्स यहां पे फाइनलाइज किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा।